बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वीवर्स, हम तरीक अब्दुल मलक अज़ीज़ से अपने शिरके की तरफ आ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि हज के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए हकूमत की तरफ से बहुत ही अच्छे इकदाम किए गए हैं। एम्बुलेंस आप देख रहे हैं कि इनको खड़ा किया गया है, इसके अलावा पेट्रोल भी आप देख रहे हैं जो गाहे बगाहे चक्कर लगा रही है, इसको इन्होंने शामिल किया है ताकि एमरजेंसी सूरत हाल से निपटा जा सके। आप देख रहे हैं, इसके अलावा मैं आपको ये कुबरी मलक अब्दुल अज़ीज़ देख रहे हैं। आप कुबरी मलक अब्दुल अज़ीज़ और ये जबल आप देख लें, जमारात वाला एरिया अल जमारात की तरफ से, और ये आप देख लें माशाल्लाह बहुत से हज्जाज इकराम अपने खैमों में पहुँच चुके हैं। मीना में सारे लोग माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुके हैं। बहुत ही बेहतर इन्होंने इंतज़ाम किए हैं, बहुत ही आसान तरीके से। अब मैं आपको लेके चलता हूं अपने शिरके की तरफ, चलते हैं ट्रैक पे, मेरे साथ रहिएगा। बहुत ही अच्छा निज़ाम इन्होंने किया है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप देखते जाएं। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम हाजियों का यहाँ पर आना, उनका हज और इबादत करना अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। और जो लोग किसी वजह से, किसी उज़र की वजह से नहीं आ सके, अल्लाह ताला उनको आइंदा साल आने की तौफीक अता फरमाए। जो लोग परेशान हाल हैं, किसी परेशानी में मुब्तला हैं, अल्लाह ताला उन तमाम की परेशानियों को दूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। जी तो देख रहे हैं माशाल्लाह मौसम भी बड़ा खूबसूरत है, ऐसे लग रहा है कि जैसे अभी बारिश आने वाली है, देख लें। और पहले तो बहुत ज़्यादा रश होता था, सुनने में आया है, मैं तो पहली बार हज कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन सुनने में आया कि पहले बहुत हज्जाज इकराम आते थे, अभी तो सिर्फ 60,000 लोग हैं। ये देखें, ये शिरका फहद अलबत्ती, ये अभी इन्होंने बंद किया हुआ है। इधर से चलते हैं, बहुत ही बेहतरीन निज़ाम, अल्लाह ताला तमाम मुसलमान बहन भाइयों को ले आए, हज और उम्रा की सआदत नसीब फरमाए। जी हम जा रहे हैं कुबरी मलक अल फहद की तरफ, कुबरी मलक अल खालिद की तरफ। जी ये देख रहे हैं माशाल्लाह, नमाज असर के बाद लोग बाहर निकले हैं, और ये देख रहे हैं आप रोड को सफा कर दिया जा रहा है, रोड की सफाई हो रही है, देख रहे माशाल्लाह बहुत ही अच्छी मशीनरी है। अब जाते हैं हम कुबरी खालिद की तरफ, ये शिरका फहद अलबत्ती है। बहुत बड़ा शिरका है, आप देख रहे हैं कि आगे भी इनकी एक है, बहुत बड़ा शिरका है और बहुत ही बेहतरीन निज़ाम है। ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और
शुक्र भाई। कितना है, क्या ले भाई? ठीक है, तकबल हज। शुक्र भैया। ये देख लें, ये लाइव प्रोग्राम माशाल्लाह चलने लगा है अभी। हाँ जी, इसको लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। ये इनका नुमाइंदा है और इसको लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा अल अरबिया पे। अल अरबिया का नुमाइंदा खड़ा हुआ है, आप देख रहे हैं माशाल्लाह। इसको अल अरबिया पे लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। ये किचन है जिधर खाना तैयार होता है। ये देखिए किचन, इधर खाना वगैरह हजाज इकराम के लिए खाना वगैरह तैयार होता है। عندما يتم تسخينها لا يتم أكلها بعد مرور 3 ساعات على التسخين، حفاظا عليها من البكتيريا أو من التسمم أو من التلوث. يعني إجراءات احترازية عالية جدا في هذا المخيم وبقية المخيمات. قبل قليل راوية أتاني أحد الشباب، تفضل أنت قلت لي قبل الهواء أنك تقرأ كلمة على شاشة العربية في مسألة الإجراءات الاحترازية، عبد الله الخامس. Thank you.
كما سمعنا راوي يعني هذا احد الحجاج في هذه الحمله، يعني الجميع يتفق على ان حج هذا العام صحيح انه مختلف، لكن الاجراءات الاحترازيه هي سيده الموقف في حج هذا العام.